ऑडियो 4 रंगों का जादू भरा संसार मनुष्य के लिए दैवी अनुदान। प्रकाश क्या है? देखने में उसे सफेद चमक भर कहा जाता है, पर विश्लेषण करने पर उसके अंतराल में कुछ विशिष्ट शक्ति धाराओं का समुच्चय पाया जाता है। इन्हें रंग कहते हैं। सूर्य किरणों में 7 रंग हैं, इसलिए सविता देवता को अश्वों के रथ पर सवार होकर परिभ्रमण करते हुए निश्चित किया गया है। किरणों का विश्लेषण करने या उन्हें 7 विशेषताओं से युक्त 7 रंगों के रूप में देखा गया है। इस रंगों की अपनी अपनी विशेषता है। उन सबके पृथक पृथक प्रभाव शरीर और मन पर पड़ते हैं, इसलिए उनका उपयोग उसी प्रकार करने के लिए परामर्श दिया जाता है जैसा कि भोजन में आवश्यक तत्वों का समन्वय रखने का प्रतिपादन किया जाता है। मनुष्य जीवन की एक अविज्ञात आवश्यकता प्रकाश की है। प्रकाश के साथ गर्मी भी जुड़ी होती है। दोनों के समन्वय से विस्तार और हलचल का लाभ मिलता है। इसके अभाव से जड़ता छाने लगेगी और विकास विस्तार का क्रम अवरुद्ध हो जाएगा। धरती पर जीवन का अवतरण स्थानीय रासायनिक संपदा के साथ सूर्य ऊर्जा का सम्मिश्रण होने पर ही संभव हुआ है। यदि यह सुयोग न बना होता तो फिर नेपच्यून प्लूटो ग्रहों की धरती भी शून्य तापमान से नीचे की स्थिति में रहकर निर्जीव स्थिति में दिन गुजार रही होती। सूर्य को जीवन कहा गया है। पुराणों में आदित्य का पति से और पृथ्वी का पत्नी के रूप में वर्णन हुआ है तथा प्राणियों की उत्पत्ति उन्हीं दोनों के सुयोग से संभव हुई बताई गई है। वैदिक प्रतिपादन में सूर्य को ही इस जगत की आत्मा कहा गया है। श्रुति वचन है, सौर किरणों में विद्यमान सभी वर्णों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। जो पदार्थ जिन किरणों को अधिक मात्रा में ग्रहण करता है वह उसी रंग का दृष्टिगोचर होने लगता है। यह हमारी आंखों की कमी है जिसके कारण प्रकाश केवल सफेद ही दिखता है। वस्तुतः उसमें स्थूल रूप से 7 रंगों का सम्मिश्रण होता है, जिसे इंद्रधनुष के रूप में किरणों पर जल कण चमकते समय देखा जा सकता है। सूर्य की प्रकाश किरणों के 7 रंग हैं, किंतु उनके हल्के भारी सम्मिश्रणों से प्रायः 10,00,000 रंग बन सकते हैं। इनमें से विभिन्न जीव जंतु अपनी अपनी नेत्र क्षमता के अनुरूप रंग ही देख सकते हैं। मनुष्य की आंख मात्र 378 रंग देख सकने में समर्थ है। हमें उतने पर ही संतोष करना पड़ता है। सूर्य किरणों के माध्यम से धरती पर आने वाले 7 रंगों को 7 अश्व कहा गया है और उस रथ पर सवार होकर उनके परिभ्रमण का वर्णन किया गया है। इस आलंकारिक वर्णन से तात्पर्य यह है कि हर रंग की अपनी अपनी विशेषता है। वस्तुओं के गुण धर्मों में इसी आधार पर भिन्नता पाई जाती है। एक और ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि यद्यपि हमारे नेत्र 7 रंगों की प्रख्यात प्रकाश किरणों को ही देख पाते हैं, तथापि नेत्रों की पकड़ से बाहर भी उसकी विलक्षणता और भी अद्भुत दृश्यमान ज्योति की तुलना में अत्यधिक विस्तृत है। ब्रह्मांडीय किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी प्रकाश, ऊष्मा तरंगें, रेडियो तरंगें प्रकाश परिवार के अंतर्गत ही आती हैं। इन सब में शक्तिशाली और अद्भुत हैं ब्रह्मांडीय किरणें। अनंत आकाश से विद्युत चुंबकीय किरणों की इस धरती पर निरंतर वैसी ही वर्षा होती रहती है जैसे वर्षा ऋतु में बादलों से पानी की या दिन में सूर्य से ऊष्मा की वर्षा होती है। कुछ समय पहले गामा किरणें शक्ति की दृष्टि से अग्रणी मानी जाती थीं, पर अब विज्ञान जगत का ध्यान ब्रह्मांड किरणों पर केंद्रित है। शक्ति स्रोत के रूप में उन्हें ही अब सर्वोपरि माना जाता है। इन इंद्रियाजीत किरणों को विज्ञान की भाषा में कॉस्मिक रेज कहते हैं। इन कॉस्मिक रेज के प्रभावों का परोक्षतः सामना तो पूरे जीव जगत को करना ही पड़ता है। स्थूल रंगों की भी सभी जीवधारियों पर प्रतिक्रिया होती है। मानवीय शरीर पर इन रंगों की मात्रा न्यूनाधिक हो जाने से स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार आवश्यक रासायनिक पदार्थ कम होने पर कई प्रकार के रोग एवं असंतुलन उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार प्रकाश रंगों की उपयुक्त मात्रा में कारणवश कमी वेशी हो जाने पर भी स्वास्थ्य संकट उत्पन्न होता है। अतः जहां चिकित्सा उपचार में वनस्पतियों
क्षारों तथा खनिजों का उपयोग करके तद्विषयक घटबड़ को ठीक किया जाता है। उसी प्रकार विज्ञजन रंगों की न्यूनाधिकता हो जाने के संबंध में उतनी ही गहराई से जांच पड़ताल करते एवं क्षतिपूर्ति हेतु क्रोमोपैथी वर्ण चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा करते हैं। विभिन्न प्रकार के रंग विभिन्न प्रकार के मनोभाव जागृत करने की चमत्कारिक क्षमता रखते हैं। विवाह शादियों और ऐसे किन्हीं धर्मोत्सवों में हरी पीली लाल नीली झंडियों से द्वार सजाते हैं तो संबंधित व्यक्ति ही नहीं सभी वहां से गुजरने वाले दर्शक भी प्रसन्न हो उठते हैं। यह रंगों का अज्ञात मनोवैज्ञानिक प्रभाव ही है। वास्तविकता यह है कि रंगों का सौंदर्य और साथ सजावट से सीधा संबंध है। सौंदर्य आत्मा का एक गुण है। यदि उसकी उपयुक्त जानकारी न हो तो लाभ उठाने के स्थान पर हानि हो सकती है। घर दरवाजे खिड़कियां दीवारों के बेल बूटों वस्त्रों का चयन इस संबंध में कौन सा रंग कैसी मनोभूमि उत्पन्न करता है इसकी जानकारी हो जाए तो जीवन में प्रसन्नता का अभिवर्धन किया जा सकता है, उसे सुधारा और संवारा जा सकता है। रंगों से विशेष प्रकार का वातावरण बनता है। वस्त्रों में कमरे की दीवारों में फर्नीचर में किस प्रकार के रंग लगे होते हैं वे अपना प्रभाव उनका उपयोग करने वालों पर भी छोड़ते हैं। लाल रंग गर्मी उत्तेजना और चिड़चिड़ापन उत्पन्न करता है, इससे स्नायु विकार हो सकते हैं। इसके विपरीत नीला रंग शीतल और शांतिदायक होता है। गर्मी वाले मौसम या स्थान में नीले रंग का उपयोग करने से आंखों के माध्यम से शरीर को भी राहत मिलती है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण रंगीन चश्मे हैं। लाल कांच वाला चश्मा लगाकर निकला जाए तो चारों ओर आग बरसती दिखाई पड़ेगी और सिर गर्म होने लगेगा। इसके विपरीत हरा या नीला चश्मा लगाकर निकलने पर कड़ी धूप भी हल्की प्रतीत होती है और बदली सी छाई लगती है। गर्मी दूर करने के लिए यह छाता लगाने जैसा उपाय है। भगवती सरस्वती ज्ञान और मधुरता की देवी हैं। उनकी कल्पना में रंग का विशेष महत्व है। ऋषि ने उनको या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता, वह श्वेत वर्ण के वस्त्र धारण किए हुए हैं। यहाँ श्वेत रंग ज्ञान मधुरता गंभीरता एवं पवित्रता का उद्बोधक है। इसीलिए कुमारी कन्याओं और उन महिलाओं को जिनके पतियों का निधन हो गया होता है श्वेत वस्त्र धारण कराने की भारतीय परंपरा है। श्वेत वस्त्र से दूसरों के मन में भी द्वेष दुर्भाव नहीं आते, इसलिए विद्यालयों में जाने वाली कन्याओं को श्वेत अथवा हल्की एक रंग की ही साड़ी पहननी चाहिए, ऐसी मान्यता है। शरीर की धातुओं और कार्य पद्धतियों पर रंगों का भिन्न भिन्न प्रभाव होता है और इस आधार पर नए रंग चिकित्सा विज्ञान का नया ढांचा खड़ा हो रहा है। सर्दी गर्मी की मात्रा घटाने बढ़ाने में भी रंग सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त उनका मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी कम नहीं है। हर रंग में कुछ विशेष भावनाएं उत्तेजित एवं शांत करने का गुण है। जो लोग जिस प्रवृत्ति की विशेषता अपने भीतर बनाए होते हैं वे तद अनुरूप रंग पसंद करते और चुनते हैं। इसी प्रकार जिन्हें जिस भावना से प्रेरित प्रभावित करना होता है उनके लिए उस रंग के आवरण आच्छादित जुटाने का प्रबंध आवश्यक होता है। फूलों के बगीचे में परिभ्रमण करने उन्हें घर आंगन में लगाने मेज पर गुलदस्ता सजाने में रंगों से मस्तिष्क को प्रभावित करने की आवश्यकता पूर्ण होती है। शोभा सुरुचि और कला सौंदर्य का इसमें समावेश तो है ही। जर्मनी की एक कैमरा बनाने वाली फैक्ट्री में एक प्रयोग किया गया। उसकी दीवारें दरवाजे सब गहरे नीले रंग से रंग दिए गए। श्रमिकों पर उसका यह प्रभाव हुआ कि वे अधिक फुर्ती और परिश्रम से काम करने लगे। उत्पादन बढ़ने लगा, आय भी बढ़ने लगी। किंतु बाद में उस रंग के ऊपर काला जैसा कोई रंग पोतकर बिगाड़ दिया गया। उसका फल कुछ और ही हुआ। मजदूरों में निराशा आलस उद्वेग की भावनाएं भड़कने लगी। उससे उत्पादन बहुत अधिक गिरा। एक कारखाने के श्रमिकों को अधिक प्यास लगने और अधिक बार पेशाब जाने की शिकायत बढ़ गई। फलतः बीच बीच में काम छूटता और उत्पादन कम होता। इस नई व्यवस्था का कारण विशेषज्ञों को बुलाकर तलाश कराया गया तो प्रतीत हुआ कि कमरे काले रंग के पुते हुए थे। वह रंग हटाकर हरा रंग पुताया गया
तो उस व्यथा से सहज छुटकारा मिल गया। एक दूसरे कारखाने के मजदूर जिन लोहे के बक्सों को ढोते थे उनके अधिक वजनी होने की शिकायत करते थे। जब उनका रंग बदलकर हरा कर दिया गया तो सभी की शिकायत दूर हो गई और अपेक्षाकृत हल्के लगने लगे। लंदन की टेम्स नदी के पुल पर से कूदकर आत्महत्या करने वालों की संख्या जिन दिनों असाधारण रूप से बढ़ गई थी उन दिनों इसका कारण तलाशने वालों में से कुछ विशेषज्ञों ने यह सलाह दी कि पुल पर लगाए गए काले रंग को हटाकर उसे बदल दिया जाए। ऐसा करने पर आत्महत्याओं की संख्या आश्चर्यजनक रूप से घट गई। अनेक अस्पतालों में कमरों के पर्दों के रंगों में हेर फेर करके उनका प्रभाव देखा गया तो परिणाम सामने आया कि लाल रंग गर्मी व उत्तेजना बढ़ाता है और नीला तथा हरा ठंडक पहुंचाता है। वैज्ञानिक अपने प्रयोगों से इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि नीले रंग के साथ स्नेह, सौजन्य, शांति, पवित्रता जैसी प्रवृत्तियां जुड़ती हैं। लाल रंग उग्रता, उत्तेजना, संघर्ष का प्रतीक है। सफेद में सादगी, सात्विकता, सरलता की क्षमता है। चॉकलेटी रंग में एकता, ईमानदारी, सज्जनता के गुण हैं। पीले रंग में संयम, आदर्श, पुण्य, परोपकार का बाहुल्य है। हरे रंग में ताजगी, उत्साह, स्फूर्ति एवं शीतलता का प्रभाव है। चॉकलेटी रंग कल्पनाशीलता उभारता है। सिलहटी में दूरदर्शी बुद्धिमत्ता की विशेषता है। काला रंग तमोगुणी है। वह निराशा, शोक, दुख एवं बोझिल मनोवृत्ति का परिचायक है। नारंगी रंग जीवन में आत्मविश्वास, साहस की जानकारी देता है। गुलाबी रंग में आशाएं, उमंगें और सृजन की मनोभूमि बनाने की विशेषता है। बुद्धिशील लोगों को गहरा लाल रंग पसंद नहीं होता। एक अस्पताल में एक मानस चिकित्सक के पास एक प्रोफेसर आए। उन्होंने बताया कि उनके मस्तिष्क में न जाने क्यों क्षोभ और उद्विग्नता बनी रहती है, उन्हें प्रसन्नता नहीं रहती। चिकित्सक महोदय ने परिस्थितियों का सूक्ष्म अध्ययन किया पर कोई विशेष कारण जब समझ में ना आया तो वे एक दिन उनके घर पहुंचे। घर जाकर देखा कि उनकी बैठक में खिड़कियों दरवाजों के अधिकांश पर्दे लाल हैं। पूछने पर मालूम हुआ कि उनकी धर्म पत्नी भी अधिकांश लाल रंग की साड़ी और ब्लाउज पहनती हैं। उन्हें घर के सब फर्श पर्दे बदलकर हरे और नीले रंग के कर देने की सलाह दी गई। उसी प्रकार उनकी धर्म पत्नी ने भी अपनी वेशभूषा बदल डाली। उसका तात्कालिक प्रभाव परिलक्षित हुआ। प्रोफेसर की सारी उद्विग्नता और परेशानी जाती रही। नीले रंग के संबंध में यह माना जाता है कि उसे देखकर उदारता और सौंदर्य की प्रेरणा मिलती है। माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण में नीले रंग का विशेष प्रभाव देखा गया है। इन आयु के बच्चे बच्चियों को नीले रंग के वस्त्रों का संपर्क मिले तो अति लाभदायक होता है। अमेरिका में एक प्रयोग करके देखा गया कि यदि बिजली का प्रकाश उसके ट्यूब नीले कर दिए जाते हैं तो मच्छर दूर भागते हैं। नीला रंग मच्छरों को कष्टदायक होता है। वहां धूल के रंग का प्रयोग करके अन्य कीटाणुओं से रक्षा करने में सफलता मिलती है। लाल रंग आक्रामकता, हिंसा और स्फूर्ति का प्रतीक है। सांड को यदि लाल रंग दिखा दिया जाए तो वह तुरंत भड़क उठता है। इसी तरह केसरिया रंग वीरता और बलिदान का प्रेरक है। यह दोनों ही रंग इसीलिए युद्ध में प्रयुक्त होते हैं। मिलिट्री के बड़े अफसरों के कंधे पर, पी कैपों पर लाल पट्टे इसीलिए बांधे जाते हैं। उन्हें देखकर जवानों में रोष और जोश पैदा होता है। यह रंग व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन के उपयोग का नहीं होता। इसी कारण काले और भूरे रंग भी शक्ति के प्रतीक तो हैं, किंतु उनका आंशिक उपयोग साज सज्जा में ही हो सकता है। जीवित प्राणियों को प्रभावित करने में गुलाबी रंग के महत्व को बहुत पहले से ही लोग जानते रहे हैं। गुलाबी प्रकाश से पौधे अच्छी तरह उगते हैं, पक्षियों की संख्या में वृद्धि होती है। ज्वर, छोटी चेचक, जल कैंसर जैसी बीमारियों पर भी गुलाबी रंग के प्रकाश से आशातीत लाभ होता पाया गया है। अल्माता के प्रसिद्ध जीव शास्त्री विक्टर इन्यूशियन ने मालिक्यूलर बायोलॉजी के नए प्रयोगों के दौरान यह सिद्ध किया है कि गुलाबी रोशनी के जैविक कार्यकलाप उसकी आत्मिक प्रकृति के साथ संबद्ध है। उन्होंने अल्बर्ट जेंट जोजी
नोबेल पुरस्कार विजेता बायोकेमिस्ट के जैविक ऊर्जा सिद्धांत को विकसित करते हुए बताया कि गुलाबी रंग के प्रकाश के प्रति जीवधारियों की अत्यधिक संवेदनशीलता उसके अस्तित्व के लिए बहुत अनुकूल पड़ती है। हमारे देश में भी पूजा स्थल में गुलाबी रंग के वस्त्र और लघु सर्वतोभद्र चक्र आदि में लाल रंग का बहुत प्रयोग होता रहा है। स्त्रियां गुलाबी रंग महावर के रूप में पैरों में लगाती और सिंदूर के रूप में मस्तक में धारण करती हैं। उससे सौंदर्य वृद्धि के साथ ही देखने वालों की अंतर भावनाओं में शक्ति और पवित्रता का विकास होता है। पीले रंग का प्रेम भावनाओं से संबंध है। इस बात को भारतीयों ने बहुत पहले जाना था। प्रकृति के अनुरूप वासंती परिधान पहनने की परंपरा अति प्राचीन है। उपासना अनुष्ठानों में तो उसका महत्व और भी अधिक है। वह बौद्धिक क्षमताओं को विकसित करने वाला और आरोग्य वर्धक भी माना गया है। प्रातःकाल उगते हुए पीतवर्ण सूर्य का दर्शन और ध्यान करने से बुद्धि और मेधा विकसित होती है। विवाह शादियों और उपासना पुरुष चरणों पर पीत वस्त्र धारण करने की भारतीय परंपरा भी इसीलिए विकसित हुई, इस रंग के प्रभाव से प्रेम और विवेक का उदय हो। यह दोनों भाव मनुष्य जीवन के कल्याण में बड़े सहायक होते हैं, इसलिए पीले रंग का भी अपना विशिष्ट महत्व है। हरा रंग आनंद और प्रसन्नता प्रदान करता है। अधिक बौद्धिक श्रम करने वाले और अस्वस्थ लोगों को यह उपलब्ध ना हो तो हरे रंग का प्राकृतिक उपयोग करना चाहिए। जंगलों या पहाड़ों पर जाकर प्रकृति की हरियाली देखकर मन को बड़ी शांति और प्रसन्नता होती है। प्राकृतिक स्थानों के दर्शन और यात्रा का लाभ जिसे भी मिल सके अवश्य उठाना चाहिए। उससे जीवन की थकावट दूर होती है। पर जिसके लिए वह सुलभ ना हो वह अपने घर के आसपास हरे वृक्ष, शाक भाजी के पौधे और बेलें उगाकर भी उस आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। हरे रंग से कार्यक्षमता भी बढ़ती है। बरसात के दिनों में किसान जितना काम अकेला कर लेता है, ज्येष्ठ में उतना कई आदमी मिलकर नहीं कर पाते। एक बार एक हवाई जहाज बनाने वाले कारखाने में घास के रंग का प्रयोग किया गया। उस पर कृत्रिम रीति से सूर्य का प्रकाश डाला गया तो मजदूरों की कार्यक्षमता में व्यापक वृद्धि हुई।